डियर राजदीप सरदेसाई, अब तो आपको रोजाना आदत ही हो गई होगी अपना प्राइम सॉरी प्रोपोगंडा टाइम शो करने के बाद पैम्फलेट का खास प्रोग्राम देखने की, जिसने आपके प्रोपोगंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आज के शो में बात होगी कि राजदीप सरदेसाई ने कल अपने शो में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के लिए कौन सा प्रोपोगंडा चलाया। Or is the BJP fishing in troubled waters? Will the knives now be out for Siddaramaiah? Some of the questions I. अब इतने बड़े मूडा स्कैम में उनका नाम सामने आया है तो सरदेसाई का सपोर्ट करना तो बनता ही है, यानी घोटाला करे कांग्रेस और सरदेसाई सवाल उठाए भाजपा पर, यही है सरदेसाई का प्रोपोगंडा। About this case is the alleged land allotment which is claimed to be a sign of corruption was done when the BJP was in power. This 50-50 scheme was brought in when the BJP was in power, that illegally acquired land by the Mysore Urban Development Authority, in return for that compensation was given. Now the charge is Siddaramaiah's wife got disproportionate compensation, but it was given by the BJP government. राजदीप सरदेसाई पैनल में बैठे बीजेपी स्पोक्सपर्सन तुहिन सिन्हा पर तरह तरह के सवाल उठा रहे थे कि मूडा स्कैम भाजपा सरकार के वक्त हुआ था। सरदेसाई यहां कांग्रेस के घोटाले का पूरा ठिकरा भाजपा की ओर मढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई से हमेशा की तरह इस बार भी मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसे सवाल वो कांग्रेस या किसी भी विपक्षी पार्टी से कर सकेंगे? नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। राजदीप सरदेसाई ने एक बार फिर सिद्धरमैया के घोटाले को लेकर सवाल किया, मगर बीजेपी से। Is this a case where the BJP is hoping to fish in troubled waters? We know that the Congress in states like Karnataka is deeply factionalized. You know, is the BJP simply fishing in troubled waters? इस पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन तुहिन सिन्हा ने क्या जवाब दिया वो आप खुद ही सुनिए। Surprise, you know, a similar land scam was unraveled last month, and that concerned the Kharge family. They were allotted the trust belonging to the Kharge family was allotted land in a prime industrial area of Bengaluru. Again, you know, the scam involving the Valmiki Tribal Land Development Corporation, the Valmiki Tribal Development Corporation, 180 crores was embezzled out. And these people, you know, these people say other people are anti-backward. They are the people who are anti-backward. They are casting aspersions on a Dalit governor of the state. तुहिन सिन्हा का कहना है कि जब खड़गे परिवार और वाल्मीकि घोटाला सामने आता है तब तो सरदेसाई द्वारा कांग्रेस या घोटाले करने वाली पार्टी पर सवाल नहीं उठाए जाते, मगर यहाँ घोटालेबाज सिद्धरमैया पर सवाल करने की बजाय सरदेसाई भाजपा पर सवाल किए जा रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया पर जनता बार बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे पर सवाल उठा रही है, मगर सिद्धरमैया ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। क्या ऐसे में सिद्धरमैया दूसरे केजरीवाल कहलाएंगे? राजदीप सरदेसाई को अपने शो में ये सवाल जरूर करना चाहिए था कि क्या केजरीवाल की तरह ही सिद्धरमैया भी अपने पद में लंबे समय तक बने रहेंगे? क्या केजरीवाल की तरह ही सिद्धरमैया को भी सत्ता का लोभ है? ये सवाल राजदीप सरदेसाई नहीं करेंगे, इसीलिए हम कर रहे हैं। आगे भी होंगे ऐसे सवाल और ऐसे ही होता रहेगा राजदीप सरदेसाई के एजेंडे का खुलासा। बस बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।